सो गाइस आगे हम न्यू वीडियो लेके आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करते हो किसी भी कंपनी का, अगर आपके उसमें स्टोरेज की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, अगर आपको फोटो एडिटिंग भी करते हो, वीडियो भी शूट करते हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप 10 से 12 GB स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर ज़्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पर, उनको देख के आप इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ले सकते हो। मैं मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं कि आप 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप स्टोरेज बहुत ही जल्दी फास्ट खाली कर सकते हो। तो मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस ना चुका मैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले मैं आपको गैलरी में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फोटो वीडियो 782 है और यहाँ पे वीडियो 92 है। तो इनको मैं विदाउट डिलीट किए हुए आपको स्टोरेज खाली करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्टोरेज कितना भरा हुआ है। 64 GB स्टोरेज है फुल और यहाँ पे 56.6 GB स्टोरेज मेरा भरा हुआ है। तो इसको मैं खाली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे फोन स्टोरेज में जाना और यहाँ पे पिक्सआर्ट को हेर लेना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग करते हो तो आप यहाँ पे पिक्सआर्ट को हेर लेना है। जैसे आप पिक्सआर्ट को हेर लेंगे तो यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट को हेर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पिक्सआर्ट, उसके बाद में ड्राइंग में जाना है। ड्राइंग में जाने के बाद में ट्रैक एड पर जाना और यहाँ पे सारी फाइल्स को यहाँ पे डिलीट करना है। एडिट पे जाकर सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 MB मेरा यहाँ पे खाली होगा। तो सिंपल से मैं इस पर डिलीट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 500 MB मेरा खाली हो चुका है। यहाँ पे जितनी फाइल्स है आपको इनको डिलीट करनी है, आपको कोई मतलब नहीं है। पे करना है, उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे एंड्रॉइड में जाना होगा। एंड्रॉइड में जाने के बाद सिंपली से आपको डाटा में जाना होगा। ये डाटा फाल्तू हमारा कैप्चर होता रहता है, इसको एडिट में जाना और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 GB और हमारा 500 MB और डिलीट हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से आप डाटा डिलीट कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है फाइल गूगल बाई। उसके बाद दोस्तों इसे आप फाइल भी सेंड कर सकते हो। सिंपली से आप क्लीन पर जाना होगा। क्लीन पर जाने के बाद में थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स भी करके आप जिनको भी आप यूज़ नहीं करना चाहते उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। सो गाइस इनका मैं यूज़ नहीं करता तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में कैम भी और खाली हो चुका है। उसके बाद में ओके करना है। ओके करने के बाद में सो गाइस आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा अभी क्लीन का, तो यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन वेट करते हैं थोड़ा। तो गाइस मैं आपको ले चलता हूँ अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 2 फाइल्स कटी हैं ओनली, जो कि एडवांटेज फाइल थी दोस्तों वायरस थे। अब मैं आपको फाइल मैनेजर में लेकर जाता हूँ कि कितना मेरा डाटा खाली हुआ है और कितना हो गया है। सिंपल से फाइल मैनेजर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 56.6 GB था और यहाँ पे 50.4 GB आ चुका है। तो इस तरीके से आप डाटा खाली कर सकते हो और अपने स्टोरेज को बचा सकते हो और यहाँ पे कई सारी ढेर सारी फाइलों को डाउनलोड कर सकते हो, इन्जॉय ले सकते हो। मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग मीडियम, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना फाइल मैनेजर जी, इसमें से आप क्लियर डाटा कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो फाइल वीडियो को। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया फॉलो कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे आप मेरे किसी भी टाइम किसी भी वक्त की बातचीत कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।